Cut. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DJ Monty Vlogs। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले Ahuja एम्पलीफायर्स के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 250 वाट के बारे में। आज की वीडियो जो होगी 120 वाट की वीडियो होगी, 120 वाट के एम्पलीफायर्स की वीडियो होगी। और जो नेक्स्ट टाइम इसकी अगली जो वीडियो डलेगी वो होगी Ahuja 100 वाट की वीडियो। मैं Ahuja सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर, काफ़ी मात्रा में इनके एम्पलीफायर बिकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैं किस टाइप की वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एम्पलीफायर का फ्रंट व्यू में हमको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे माइक के सॉकेट, माइक नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर टोटल 5 माइक हम इनपुट कर सकते हैं। यहाँ से हम जैक की कॉर्ड लगा करके हम हमारा माइक का आउटपुट दे सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ऑक्स 1 आपको दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे ऑक्स 1 और ऑक्स 2, ये स्विच ऐसा है, अगर इसको हम इस तरफ कर लेंगे तो माइक 4 पे वर्क करेगा, इस तरफ कर लेंगे इसको तो माइक 5 पे यूज़ करेगा, और इस तरफ दोनों को यूज़ करेंगे तो ऑक्स 1 ऑक्स 2 ये इससे इसका वॉल्यूम कंट्रोल होगा। देन इसके बाद हमको आउटपुट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद Ahuja की हमको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, इसका मॉडल नंबर है SSB 120। यहाँ पे बेस की नॉब मिलेगी, ट्रोबल की नॉब मिलेगी और मास्टर की नॉब मिलेगी, यहाँ से इसको कंट्रोल हो सकता है ये। देन इसके बाद हमको इस पर मिलेगा पावर का ऑन ऑफ स्विच का बटन, इसके ऊपर LED। इसका बैक व्यू में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से बैटरी का ऑप्शन है, ये पूरा बैटरी का ऑप्शन है। यहाँ से पूरा हम जैसे DC वोल्ट की बैटरी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद पावर का ऑप्शन है, उसके बाद हमको यहाँ से स्पीकर जोड़ने का ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर 4 ओम्स पे, 8 ओम्स पे और 16 ओम्स पे, ये सारा हम इस पे यूनिट्स, ड्राइवर यूनिट्स और हमारे स्पीकर्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी और इस तरफ हम देखेंगे इसके अंदर ऑक्स का इसके अंदर पिन देखे रखा हुआ है, ऑक्स 2 ऑक्स 1, और इसके बाद में लाइन आउट और प्री आउट, यहाँ से ये इतना ऑप्शन देख रखा है। ये है इसका पूरा बैक व्यू। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हम कौन से स्पीकर कितनी टॉप चला सकते हैं। तो गाइज, हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हम Ahuja के 100 वॉट्स या अदर ब्रांड्स के भी हम 100 वॉट यूज़ कर सकते हैं, मतलब 100 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 200। हम 200 वॉट का इसके में मैक्सिमम लोड दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हम उसमें लोड देंगे तो इसके अंदर ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम होगी, ये हमने खुद पर्सनली यूज़ करके देखा हुआ है। जब भी इसके अंदर 2 स्पीकर लगाए तो पीछे से आप इसको 2 ओम्स पे कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं हम इसके अंदर कितने यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले देखेंगे हम इसके अंदर यूनिट्स यूज़ कौन कौन से करेंगे। हम इसके अंदर यूनिट यूज़ करेंगे Ahuja के, जो कि हम इसके अंदर टोटल यूज़ कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। हम इसके अंदर 4 यूनिट यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका वोल्टेज होगा या इसका वॉट होगा, ये होगी टोटल 4 यूनिट्स इसको हम चला सकते हैं पीछे से इसके 2 ओम्स करके 60 वॉट। तो ये 60 वॉट पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा, काफ़ी अच्छे इसके अंदर यूनिट्स की क्वालिटी होती है। और हम अगर इसके अंदर ज़्यादा यूनिट्स लगाए जाए तो हम देख सकते हैं इसके अंदर हम अगर 6 यूनिट लगाएं तो 6 यूनिट लगेगा कि नहीं। तो गाइस देखिए, अगर हम इसमें 6 यूनिट्स लगाएंगे तो ये चल तो जाएगा, बट ये कुछ टाइम बाद ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि गाइस अगर हम चलाना चाहें तो इसके अंदर अगर हम चला सकते हैं, लेकिन उसका जो वॉट होगा, यूनिट्स का वॉट होगा वो होगा 40 वॉट्स। मतलब हम 6 यूनिट चला सकते हैं लेकिन उसका वॉट कम हो जाएगा। इसके पहले हमने 4 यूनिट लगाए थे, उसका वॉट था 60 वॉट, अब यहाँ पे बात है 6 यूनिट की, तो 6 यूनिट हम इसमें चला सकते हैं 40 वॉट्स पे। तो गाइस, ये आप इसमें अच्छी क्वालिटी चाहते तो आप इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स का यूज़ कीजिए, और उसका जो पीछे से ओम्स होगा वो होगा 2 ओम्स पर। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Please subscribe my channel and press the bell icon.